हेलो दोस्तों, आज हम लोग रंगापरा के एक नंबर वार्ड कमारपट्टी के बीच में है। यहाँ आज हमारे साथ है राधे विश्वास, जिन्होंने बेंगली हाई स्कूल से अच्छा रिजल्ट किया है मैट्रिक में, और उन्होंने लगभग 5 लेटर राइट है। तो आपका थोड़ा इंट्रोडक्शन दीजिए, क्या देना है। मेरा नाम तो राधे विश्वास है, मेरे पिताजी रंजित विश्वास, मेरा माताजी कल्पना विश्वास। ओके, तो आपका जो स्टडी, जो आपका जो प्रिपरेशन हुआ मैट्रिक के लिए, तो कैसा प्रिपरेशन आपने किया, और आपका पेरेंट्स का थ्रू से कैसा आपको सपोर्टिव मिला, कैसा आपका पेरेंट्स ने योगदान दिया जो अच्छा आप रिजल्ट कर पाए। एक तो मेरा पेरेंट्स ने मुझे बहुत सपोर्ट किया, मेरा पूरा फुल फैमिली मुझको पूरा सपोर्ट किया, मेरे पिता माता, मेरा फुल फैमिली। तो मतलब जब मैं पढ़ता था तो मेरा थोड़ा गाइडिंग देता था, मेरा दीदी भी है वो भी मुझे थोड़ा गाइड करता था, मेरे पिता, मतलब मेरा फैमिली में जो 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 मतलब बड़ा आदमी है सबको मुझको थोड़ा प्रिपेयर करने के लिए ये करता था, इसलिए यही है। ओके, तो आपके पिताजी के बारे में कुछ बताइए, जो वो आप इस कंडीशन में जो भी हो बहुत अच्छे से रिजल्ट किए, तो हर पिता को मम्मी को बहुत ही प्राउड फील होता है, खुश होते हैं, तो आपका पिताजी का बारे में थोड़ा बताइए। मेरा पिताजी दूसरे का ये दुकान में काम करता है, दिन हजिरा करता है, बहुत कष्ट करके मुझे पढ़ाया है, और इसलिए मेरा मुझे थोड़ा ये फील हो रहा है, क्योंकि मेरा पिताजी बहुत कष्ट करके कि मुझे पढ़ाया और मैंने रिजल्ट किया है। मेरा ये होगा कि मैं ये भविष्य में और भी अच्छा रिजल्ट करूँ, मेरे पिताजी का सिर और भी ज़्यादा ऊँचा करूँ। कितना अच्छा लग रहा है कि जो भी हो, इन्होंने कितना कष्ट किया, इनके पेरेंट्स ने कहीं दूसरे की दुकान में काम करना, इससे पता चल रहा है कि उनका आर्थिक स्थिति वो कुछ खास नहीं है, फिर भी उन्होंने इस लाइक अपने बेटे को शिक्षा दिया है कि वो एक अच्छा रिजल्ट कर सके, और वो रिजल्ट आज आ चुका है। उन्होंने काफ़ी अच्छा मेहनत किया और मैट्रिक में एक अच्छा रिजल्ट किया, वो बेंगली हाई स्कूल से पास किए हैं 2020 इस समय में। और कुछ आपके मम्मी के बारे में बताइए, जो उन्होंने आपका योगदान कैसे स्टडी में मतलब टाइम दिया। मेरा मम्मी मुझसे मतलब थोड़ा एक बात है कि मैं सुबह में उठ नहीं पाता हूँ, तो मम्मी मेरे को सुबह में उठने के लिए बोलता है रोज, तो सुबह में उठने के लिए बोलता है और अच्छे से पढ़ने के लिए बोलता है। जब मतलब जो जो सपोर्ट मिलना चाहिए मुझको, वो सब सपोर्ट मिला है मेरे परिवार से, मेरे मम्मी किया है वो सब। ठीक है, तो अभी हम राधे की मम्मी से बात करेंगे कि उन्होंने जो अपना समय दिया, उनका मतलब जो लड़का अभी राधे जो अच्छा नंबर से जो अपेयर किया है, तो उसमें उनको कितना खुशी है इस रिजल्ट को लेके। बहुत खुशी है। ओके, और कुछ आप कंफर्टेबल है तो आप बेंगली यूज कर सकती हैं। बहुत भाल लगे मैंने, और जो मैंने पास से आर की जरक मामरा मैंने सबाई मिले कोई सी आर की पोते मैंने बहुत ही करा पास से आर की पोत। अच्छा, पास लाइफे किछु मैंने एटा से कि तुम्हार अखन तुम जो तो भलो रिजल्ट करसे नम्बर नहीं है, तो एम तो चिंताधारा हो कि फ्यूचारे तुम्हार जमन जो बैंके काज करे कि तुम्हार मन कि ऐलेटा अखन बड़ो है कि करूँ बैंके काज करा एटाई भावछि आर कि। अच्छा, ठीक है, कितना अच्छा सोच है कि उनका मन में है कि वो लड़का अच्छा से पढ़े और एक बैंक में अच्छा नौकरी करे, तो बैंकिंग के लिए करना है। तो राधे से जानते हैं कि उनका अभी स्कोप क्या है, कौन सा स्ट्रीम लेना चाहते हैं। राधे, क्या में पढ़ना है आपको। मुझको कॉमर्स लेके पढ़ना है, थोड़ा बैंकिंग मुझे मतलब पहले से मुझे बैंकिंग का थोड़ा ये था, तो मुझे इकोनॉमिक्स लेके बैंकिंग के बारे में तो पढ़ना है, वही बात। अच्छा है, क्योंकि बैंकिंग करेंगे तो आर्थिक स्थिति भी सही हो जाएगी, और अच्छा भी लग रहा है, प्राउड फील हो रहा है, क्योंकि ये जो एरिया है उतना डेवलप नहीं है रंगापरा के, शायद जिनको पता होगा वो उसके बारे में, तो इस एरिया में मुझे जो इन्फॉर्मेशन मिला मैं आया, और इनका आर्थिक स्थिति को भी लेकर मुझे लग रहा है कि कुछ खास नहीं है, लेकिन फिर भी उन्होंने मेहनत किया, कुछ अच्छा रिजल्ट करके दिखाया। तो आपके जूनियर को जो आने वाला स्टूडेंट है, उनको क्या इन्फॉर्मेशन देना है कि वो कैसे और बेटर रिजल्ट कर सकते हैं आपके थ्रू, जो आप जैसे फॉलो करते थे, कुछ आप शेयर कीजिए। मेरा तो बोलने इतना कुछ ये नहीं है, तो मतलब अच्छे से पढ़ो, मन लगा के पूरा ज़्यादा खेल कूद वो भी करना चाहिए, पढ़ाई के साथ खेल कूद भी करना चाहिए, टीवी देखने सब कुछ करना चाहिए, लेकिन पढ़ाई के टाइम पढ़ाई करना चाहिए, बस अच्छे से पढ़ाई करो और मुझसे भी बेटर रिजल्ट करो, यही बात। कितना अच्छा इन्फॉर्मेशन है, क्योंकि खेलकूद करना है लाइफ का जो हिस्सा है वो करना है, लेकिन पढ़ाई के टाइम पढ़ाई करना है। राधे का ये जो इन्फॉर्मेशन है काफ़ी अच्छा है। और राधे, आप कुछ अपने स्कूल के टीचर्स के बारे में बताइए, जो उन्होंने कैसा आपको हेल्प किया।
मेरा स्कूल मेरा जो रिजल्ट निकला है उसमें मेरा स्कूल का मेरा टीचर्स का बहुत योगदान है। मेरा हर टीचर मुझको सिखाया जो ऐसा पढ़ो ऐसा करना चाहिए। मेरा मैथ्स टीचर मतलब आदर्श जो भी टीचर है सब मुझको सिखाया जो कैसे क्या पढ़ना चाहिए नहीं चाहिए, तो वही बात है सब अच्छा से सिखाया मेरा सर टीचर लोग। राधे का बात सुन के बहुत अच्छा लग रहा है क्योंकि टीचर सपोर्टिव है तभी तो, क्योंकि एक रिजल्ट आने में एक पेरेंट्स का ही उतना हाथ होता है जितना एक टीचर्स का, तो काफ़ी अच्छे। और राधे के पिताजी से भी हम लोग पूछेंगे कि उनको कितना फील हो रहा है, प्राउड फील हो रहा है, कितना खुशी लग रहा है कि वो रिजल्ट को लेके। जी मेरा खुशी क्या होगा, इससे बड़ा खुशी कोई नहीं है जिंदगी में, पहले बार इतना खुशी मिला है। वाकई ये सच में बहुत ही अच्छा है क्योंकि उनको जो रिजल्ट मिला है, फिर से वंस अगेन आपको कॉन्ग्रेचुलेशंस। अपने लाइफ में कुछ अच्छा करे, बेटर करे और मम्मी पापा का नाम रोशन करें, और इस फील्ड से आपको निकलना है और कुछ करना है। और कुछ रंगापड़ा जिस एरिया से आप आते हैं उसके बारे में कुछ आप बोलिए, इस एरिया में जो बच्चे लोग को उन लोगों को अपील कीजिए कि उन लोग आपके तरह कैसे और बेटर कर सकते हैं, उनके बारे में कुछ बोलिए। मेरा तो ये बात है जो भी कुछ हो रहा है अच्छे, मतलब जो स्टूडेंट लोग हैं वो अच्छे से पढ़े और कुछ ही करें। और जो मेरा ये क्या बोलते हैं मेरा एक नंबर का जो सोशल बोलने दादा दीदी लोग हैं वो भी कुछ अच्छा काम कर रहा है, बस यही कुछ ये मैं भी ऐड करना चाहूँगा कि सोशल वॉलंटियर टीम है जो उन्होंने अच्छा प्रयास किया और उनके थ्रू से मुझे भी इन्फॉर्मेशन मिला इन तक पहुँचने के लिए, तो काफ़ी अच्छा है। और वो जो काम कर रहे हो सच में तारीफ़ काबिल है। और इस एरिया के बारे में कुछ जो मुझे इन्फॉर्मेशन मिला आपके साथ शेयर किया। तो दोस्तों इस वीडियो में यही था कि राधे का जो रिजल्ट आउट हुआ वो काफ़ी अच्छा परसेंटेज से किया, और इससे सच में हम लोग को भी उनको तारीफ़ काबिल है। और मैं रंगापड़ा के बेंगलुरु हाई स्कूल के सभी टीचर को धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने उस राधे को इतना सपोर्ट किया। उनके पेरेंट्स को भी मैं धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने सपोर्ट किया और इस अच्छा उन्होंने प्रयास किया और एक अच्छा रिजल्ट निकाला। आपके फ्यूचर के लिए बहुत सारा बधाई और आप एक अच्छा गोल अचीव करें। थैंक यू दोस्तों, वीडियोस में इतना ही था, मुझे भी अच्छा लगा यहाँ पे आके उनसे मिलके। दोस्तों वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।